उग्रवादी गोले में तो आकर भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। हे उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, इसकी बात ले रहे थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। नए संसद भवन में जिस तरह से बीते दिन दक्षिण दिल्ली से बीजेपी एमपी रमेश बिदूनी ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। रमेश बिदूनी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपने बयान में ना सिर्फ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें धमकी तक दे डाली। अब बीजेपी ने बिदूनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उनके इस तरह के बयान की वजह से पार्टी उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना करे। तो वहीं दानिश अली का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के बर्ताव से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। इस तरह की नफरत की खेती बंद कीजिए। पीएम मोदी दुनिया भर में जाते हैं और बड़े सम्मान से बात करते हैं, ऐसी भाषा इस्तेमाल कर भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत के संसद में एक अल्पसंख्यक समुदाय के संसद सदस्य को ही अपमानित नहीं किया बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। तो वहीं आपको सुनाते हैं लोकसभा में रमेश बिदूनी ने बयान देते हुए किस तरह सारी हदें पार की। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब, सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं, ए उग्रवादी बोले भी तो आकर भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदूनी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने प्लीज यू टेक योर सीट, 1975 राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं, वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए, इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने के लिए? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी